फाइव बिगेस्ट क्रिप्टो स्कैम्स। दोस्तों, आखिर अमीर कौन नहीं बनना चाहता, लेकिन लोग अमीर बनने के चक्कर में शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के साथ स्कैम हो जाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही पांच सबसे बड़े क्रिप्टो स्कैम्स की बात करने वाले हैं, जिन्होंने लोगों को हजारों करोड़ों का चूना लगा दिया। नंबर फाइव, यूक्रेन रग पुल्स। नंबर फाइव पर है यूक्रेन रग पुल्स। अब दोस्तों, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छुपा नहीं है, आप सब भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ये स्कैम बाकी सब स्कैम से एकदम हटके है, क्योंकि इसमें किसी एक इंसान ने दूसरे लोगों के साथ स्कैम नहीं किया, बल्कि एक देश की सरकार ने ही डोनर्स के साथ स्कैम किया। असल में जब वॉर शुरू हुई ना, तो उसके कुछ ही दिनों के बाद यूक्रेन की सरकार ने क्रिप्टो में डोनेशन लेना शुरू कर दिया, ताकि क्रिप्टो के बड़े बड़े इन्वेस्टर और ट्रेडर से भी पैसा मिल सके। यूक्रेन को भर भर के डोनेशन मिलने लगा। भाई, सेंटिमेंट्स यूक्रेन की तरफ था, और इसी वजह से यूक्रेन ने एक एयर ड्रॉप अनाउंसमेंट कर दिया और कहा कि जो लोग इथेरियम नेटवर्क के जरिए डोनेशन देंगे, उन्हें बदले में रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब यह सुनकर छोटे मोटे इन्वेस्टर्स भी कूद पड़े। इसी वजह से दो दिन में इथेरियम ब्लॉकचेन पर 60,000 से भी ज्यादा की ट्रांजैक्शंस हो गई। अब वॉर के वक्त भी रिवॉर्ड्स मिलने के चक्कर में लोगों ने लालच में बेहिसाब दान कर डाला। लेकिन अफसोस, कुछ ही दिनों में यूक्रेन ने एयर ड्रॉप कैंसिल कर दिया, और अब बहुत से डोनर्स यूक्रेन के ट्विटर अकाउंट पर टूट पड़े और इसे स्कैम बोलने लगे, जिसे टेक्निकल टर्म्स में रग पुल कहते हैं। जब यूक्रेन को लगा कि लोग रिवॉर्ड के चक्कर में उन्हें डोनेट कर रहे हैं, तो उन्होंने रिवॉर्ड देना ही कैंसिल कर दिया। लेकिन फिर भी कुछ समझदार और भले लोगों ने वॉर के वक्त यूक्रेन की मदद की। और अब आप ये बताइए कि आपके हिसाब से ये स्कैम है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नंबर फोर, बीबीसी प्रमोटिंग क्रिप्टो स्कैमर। दोस्तों, हम सभी को गरीब से अमीर बनने की कहानियां बहुत पसंद आती हैं। सबको ये कहानियां सुन के मोटिवेशन सा फील होता है ना? और इसी काम में बीबीसी काफी ज्यादा इंटरेस्टेड रहता है। लेकिन बीबीसी कभी कभी अपने आर्टिकल में ऐसे आदमी को कवर करने से पहले उसकी जानकारी लेना भूल जाता है। पिछले साल बीबीसी ने बर्मिंघम के एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैनर्ड हसन को अपने आर्टिकल में कवर किया, जिसमें हसन ने बताया कि उसने करीबन 4,000 रुपए से लाखों रुपए कमा लिए, वो भी सिर्फ क्रिप्टो से। यही नहीं, उन्होंने इसमें यह भी बताया कि कैसे हसन कम्युनिटी के लोगों को अमीर बनने में मदद कर रहे हैं। पिछले साल अप्रैल 2021 को हसन ने एक ऑर्फेनो नाम का चैरिटी टोकन लॉन्च किया और सबके सामने यह बताया कि इसके 3% फंड को चैरिटी प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। अब नए क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को यह नहीं पता था कि ये रग पुल के लिए एक कॉमन टैक्टिक्स हैं, जहां इन्वेस्टर्स को यह फील करवाया जाता है कि वो लोग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करके एक अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा फील होगा। काफी महीनों तक पैसा खाने के बाद ऑर्फेनो बंद हो गया और सारी इन्वेस्टमेंट्स लेकर गायब हो गया, और लोग बैक टू बैक ट्वीट्स करने लगे कि वो लोग पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। कुछ महीनों के बाद हसन फिर से वापस आया और ऑर्फेनो को ऑर्फेनो एक्स के नाम से रीलॉन्च किया, और इस बार भी उसने न्यू इन्वेस्टर्स को टारगेट किया, लेकिन इस बार बीबीसी ने उसे रोक लिया। नंबर थ्री, थॉर्डेक्स। थर्ड पे है थॉर्डेक्स। थॉर्डेक्स एक टर्किश क्रिप्टो एक्सचेंज है, जिसे 2017 में फारूक फेथ ओजर ने लॉन्च किया था। कुछ सालों के बाद ये जो ओजर भाई साहब हैं, इनकी नीयत बदल गई और ये अप्रैल 2021 को थॉर्डेक्स शट डाउन करके बैठ गए और अपने कस्टमर से कहा कि देखिए, अभी 6 घंटे की मेंटेनेंस चल रही है, सभी लोग शांति बनाए रखें। इसके बाद इस मेंटेनेंस को 5 दिन तक एक्सटेंड कर दिया गया और अंत में थॉर्डेक्स पूरी तरह से शट डाउन हो गई। इसके बाद ओजर टर्की से भाग गया। ओजर ने इस स्कैम की मदद से 200 करोड़ का घोटाला किया, जो कि उसे 75 लाख इन्वेस्टर्स मिले, यानी कि 75 लाख लोग जो उसकी एक्सचेंज का इस्तेमाल करते थे, ओजर उन सभी के पैसे लेकर फरार हो गया। अगले कुछ महीनों में ओजर पर 60 से भी ज्यादा केसेस हो गए और ओजर दुनिया के किसी कोने में लोगों के पैसे लूटकर मस्त ऐश कर रहा था। लेकिन अगस्त 2022 को ओजर के पापों का घड़ा भर गया और ये लुटेरा अल्बानिया में पकड़ लिया गया और अब उसे वापस टर्की भेज दिया गया। अब आएगा उसे मजा। नंबर टू, बिट कनेक्ट। अब अगला है थॉर्डेक्स की तरह ही बिट कनेक्ट का स्कैम। अब दोस्तों, बिट कनेक्ट फरवरी 2016 में शुरू किया गया था और 2 साल बाद 2018 में टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड ने बिट कनेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दे दिया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिट कनेक्ट उनके सामने ट्रांसपेरेंट नहीं था।
इसीलिए उन्होंने लोगों को पैसा बचाने के लिए उन्होंने 2 हफ्ते में उसे बंद करवा दिया। लेकिन और जगहों पर यह चलता रहा। बिटकनेक्ट इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स देता था, जिसकी वजह से बहुत से लोग अमीर बनने के चक्कर में इनके झांसे में आ गए। अब इनमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेडर्स को बिटकनेक्ट कॉइंस यानी कि BCC खरीदना पड़ता था, तभी इन्वेस्टर्स को हाई रिटर्न्स मिलते थे। अब January 17, 2018 को बिटकनेक्ट बंद हो गई और इनके कॉइन का प्राइस झटके से नीचे चला गया, जिसकी वजह से लोगों को 345 करोड़ का चूना लग गया। August 2018 को बिटकनेक्ट का एक लीडर दिवेश दारजी को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में देखा गया और उसे वहीं अरेस्ट भी कर लिया गया। नंबर 1, OneCoin। OneCoin की शुरुआत 2014 में डॉक्टर रूजा इग्नातोवा ने की, जिसने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ में PhD की हुई है। लोग OneCoin के इतने ज्यादा दीवाने हो चुके थे कि OneCoin के प्रमोशन के लिए यूरोप के सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम वेबली एरिना में सब टिकट्स सोल्ड आउट हो चुके थे। यस, क्योंकि वहां OneCoin का इवेंट था। लेकिन मजे की बात तो ये है कि OneCoin तो कोई क्रिप्टो करेंसी थी ही नहीं, बल्कि ये एक मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम था। लेकिन फिर भी इसे क्रिप्टो बनाकर लोगों को चूना लगाया गया। OneCoin फाइनेंशियल एजुकेशनल पैकेट्स बेचता था, वो भी 7,000 रुपए से लेकर लाखों रुपए के आते थे, और इनमें अलग अलग मेंबरशिप लेवल्स होते थे। जितना हाई लेवल होता था उतने ही कॉइन्स लोग खरीद पाते थे। 2017 में OneCoin के 30 लाख मेंबर्स हो गए थे और 2017 से ही रुजा इग्नातोवा इन सब से इन्वेस्टर्स का 400 करोड़ लेकर बूम यानी कि गायब। FBI ने रुजा पर $1,00,000 यानी कि लगभग 79 लाख का इनाम भी रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे क्रिप्टो की दुनिया के सबसे बड़े लुटेरे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप किसी भी तरह से क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म की पूरी जांच पड़ताल कर लें, उसके बाद ही निवेश करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।